रावण कुंभकर्ण और विभीषण ने घोर साधना की, ब्रह्मा जी वरदान देने के लिए प्रकट हुए। रावण ने कहा कि हम काहू के मर ही न मारे, हम किसी के मारने से ना मरे। ध्यान देना, परमात्मा सब कुछ देता है लेकिन एक तो अमरता नहीं देता और एक भक्ति देने में कंजूसी करता है। अमरता नहीं देता सब कुछ। और जितने भी हमारे यहां तपस्या करने वाले लोग हुए हैं उन सब ने अमरता ही मांगी, चाहे वो हिरण्यकश्यप हो, चाहे हिरण्याक्ष हो, चाहे रावण हो, कोई भी हो, सब अमरता ही मांगते। भस्मासुर ने भी यही कहा कि जिसके सिर पर हाथ रखूं वो ही मर जाए। भगवान ने कहा ठीक है, बोले ला तेरे ही सर पे रखूं। तो मनुष्य का ये स्वभाव है कि वो परमात्मा के भेद को जानना चाहता है और जैसे ही उस भेद को जानता है वो फिर परमात्मा हो जाना चाहता है। और यदि भक्ति मिल जाए, यदि भक्ति हो तो फिर व्यक्ति अपना अस्तित्व भूलकर परमात्मा में प्रवेश कर जाना चाहता है। जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। रावण ने कहा कि हम काहू के मरे ही ना मारे। ब्रह्मा जी चुप हो गए कि मरेगा ही नहीं तो कैसे बात बनेगी। रावण को लगा कि कुछ अड़चन है। रावण ने कहा कि ठीक है, बानर मनुष्य जाति दुई बार है, बंदर और मनुष्य के हाथ से हमारी मृत्यु हो। ब्रह्मा जी ने कहा इतने में तो बहुत सारे रास्ते खुल जाएंगे। कहा तथा कुंभकर्ण से कहा, कुंभकर्ण ने कहा 6 मास की निद्रा दे दो। तथा अस्तु। विभीषण को देखा, विभीषण ने कहा कि मुझे तो प्रभु के चरणों की निर्मल भक्ति चाहिए। तीनों को वरदान दिए और रावण ने मैं दानव से त्रिकूट पर बनी हुई लंका को छीन लिया, लंका को राजधानी बना दिया। रावण ने राक्षस कुल को बसा दिया वहां, विश्व को अपनी शक्ति का बोध कराने लगा रावण ने। कुबेर का कोष लूट लिया, पुष्पक विमान छीन लिया, पाताल से निर्दोष नाग कन्याओं को लाकर अपने शयन कक्ष में रखा रावण ने। रावण की निगाह जब उठी तब वासना के लिए उठी, हाथ जब उठे तब लूट के लिए उठे। धीरे धीरे रावण शक्तिशाली होने लगा था। इंद्रजीत को कहा कि देवताओं को प्रताड़ित करो, उसके लोक समाज में फैलने लगे। ये रावण का एक पक्ष, एक दूसरा पक्ष भी है रावण का। हमने रावण के एक पक्ष को रखा है, दूसरा पक्ष भी है। भगवान शंकर से कहा कि मुझे चंद्रहास तलवार दे दो। शिव की साधना की रावण ने, अपनी आती निकालकर आतों की वीणा बनाकर उसे बजाकर भगवान शंकर को राजी कर लिया। रावण तपस्वी भी है। कहा चंद्रहास दो, भगवान शंकर ने कहा कि तू एक बार अपना मस्तक मेरे चरण पर रखकर प्रणाम कर, मैं तुझे चंद्रहास दू। रावण ने कहा ये नहीं होगा, ये रावण का स्वाभिमान, ये संभव नहीं। भगवान ने कहा तो फिर मैं भी नहीं दूंगा। तो रावण ने
अपनी विशाल भुजाओं पर उस कैलाश को उठा लिया जिस पर शिव बैठे। और कैलाश को उठाकर थोड़ा नीचे लाया, भगवान शंकर का चरण अपने मस्तक पर रखकर कहा कि मेरा मस्तक आपके चरण पर नहीं आ सकता, लेकिन आपका चरण मेरे मस्तक पर आ सकता है। ला अब चंद्रहास दे। भगवान शंकर ने चंद्रहास दिया। ऐसा राव भगवान शंकर कहते हैं कि उमा, ऐसे समाज का निर्माण किया रावण ने जो माता पिता गुरु किसी को नहीं मानता, सेवा कार्य लेने लगे, साधु संतों के रक्त से धरा लाल होने लगे, वेद पाठशालाओं को ध्वस्त किया जाने लगा, इतने पाप बढ़े, इतना अनाचार बढ़ा धरती पर कि धरा भयभीत हो गई, गाय के रूप में देवताओं के पास जाकर कहा कि देवों, मुझे इन पर्वतों का, समुद्रों का, वनस्पति का भार इतना नहीं लगता जितना इन आतताई राक्षसों का लगता है। देवों ने कहा कि भूमि, हम क्या करें, हम असहाय हैं, ये वरदान तो पितामह ब्रह्मा ने दिया है। ब्रह्मा जी को प्रार्थना की गई। ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं क्या करूं, जब कोई तपस्या करता है तो हमें तो वरदान देना ही होता है, हमने तो दीपक इसलिए जलाया था कि दीपक जगत में प्रकाश देगा, लेकिन इस दीपक से तो घर को ही आग लग गई, क्या करें। परमात्मा श्री हरि सहायक हो तब बात बन सकती है। देवों में चर्चा होने लगी, हरि कहां मिलेंगे, किसी ने कहा वैकुंठ में मिलेंगे, किसी ने कहा नहीं क्षीर सागर में मिलेंगे। और बहुत मजे की बात कि जिस सभा में स्वयं भगवान ब्रह्मा हो, पितामह ब्रह्मा हो, वहां किसी को यह नहीं पता कि कहां मिलेंगे। सबने अपना अपना मत कहा देवों ने, लेकिन ये यात्रा न क्षीर सागर की ओर गई न वैकुंठ की ओर गई। भगवान शंकर कहते हैं कि उमा, कोई गया नहीं, क्योंकि ब्रह्मा जी सोचने लगे कि मैंने सात समुद्र तो बनाए हैं, लेकिन सातों समुद्र खारे जल के हैं, दूध का तो कोई समुद्र बना ही नहीं, क्षीर सागर कहां है, वैकुंठ कहां है। मैं चर्चा एक बार कलकत्ता में कर रहा था तो एक सज्जन ने कहा कि क्या क्षीर सागर और वैकुंठ है ही नहीं। हमने कहा है, लेकिन देवताओं को नहीं पता है साहब क्षीर सागर और वैकुंठ कहां है, उन्होंने केवल और केवल सुना है। जितने देव बोले हैं सब सुनकर बोल रहे हैं, किसी ने देखा नहीं है, और यदि देखा होता तो ये यात्रा या तो क्षीर सागर चली जाती या तो वैकुंठ चली जाती, ये गए भी नहीं। जानते हैं क्षीर सागर कहां है, आप बता रहे हो उसमें भी पानी भरा हुआ है, पानी का कीचड़, दूध वहां भी नहीं। मैं बताऊं, विचार करो, जितना दूध सागर में होता है इतना दूध कहां है जगत में। प्रत्येक मां का पक्ष स्थल है क्षीर सागर, मां के पक्ष में जितना दूध होता है इतना दूध कहीं नहीं होता। और भगवान विष्णु क्या है, विष्णु पालन पोषण के देव हैं,
वो पोषण करते हैं, वो वैष्णवी भाव है। माँ के भीतर जो वात्सल्य है, जो करुणा है, जो संतान के प्रति जो प्रेम है, बस वही वैष्णवी भाव। उसी भाव से मेरा नारायण प्रत्येक माँ के वक्ष में वास करता है, वही क्षीर सागर। और वैकुंठ, प्रत्येक पिता का हृदय स्थल वैकुंठ है। वहां कुछ अनुशासन दिखता है, जय विजय खड़े हुए दिखते हैं, कुछ कठोरता दिखती है, लेकिन पिता के अंतर में जो भाव है संतान के प्रति, वो वैष्णवी भाव। उसी भाव से मेरा परमात्मा प्रत्येक पिता के हृदय में वास करता है। ये तो करुणा हुई आज महानगरों की कि हम परमात्मा को पाना चाहते हैं, लेकिन हमारे क्षीर सागर और वैकुंठ तो वृद्धाश्रम में वास करने लगे साहब।